नमस्कार, YouTube के रतनगढ़ धार्मिक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रतन वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा यह धार्मिक चैनल है और मैं इस चैनल पर हमेशा धार्मिक ही कार्यक्रम दिखलाता हूँ। अगर आपको मेरा यह प्रोग्राम अच्छा लगता हो तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट्स भी भेजें। आज इसी श्रृंखला के अंदर मैं आपको ले चलता हूँ गांव छोटड़िया, जहाँ श्री नारायण दास जी चारण जी, जो श्री करणी माता के भक्त है, हम उनसे मुलाकात करके उनसे ये पूछते हैं कि हे गुरु जी, यह जो मंदिर है लगभग कितने साल पुराना है? विक्रम 1539 रे लगभग अठे सांपुरो विवाह हुयो जीवराज जी सागे। अच्छा जी, वी टाइम रे बारे में एक दो प्रचलित है। हाँ जी। कि वर्ग छोटड़िए वालियो मींच कालियो मार। हाँ जी। एक रेण पल एक में बनी चील दो बार। हाँ जी। पहली बार तो चील बनिया सेखो जिन मुल्तान लियावण वास्ते। अच्छा अच्छा। और दूसरी बार जकी रात में चील बनिया, एक रेण पल एक में बनी चील दो बार। हाँ जी। यानी एक रात्रि में और एक ही पल में दो बार चील बनिया। हाँ जी। तो पहली तो सेखो जिन्हें जेल छुड़ाने रे वास्ते, दूसरा इन्हें कालिये पेथड़ ने मारने वास्ते। अच्छा अच्छा, कालिये पेथड़ को मारने के लिए माता जी ने चील का रूप धारण किया था। हाँ जी। तो इसो एक उल्लेख मिले है, प्रताप जी नाम रा व्यक्ति या कवि देशनो करावा लिखी। हाँ जी। कि छोटड़िए में जो किसान पूजी रिकाया ही वह वो सुजो मेल में वो सुजो मेल कालू पेथड़ ले गया। अच्छा अच्छा। तो कालू पेथड़ ने मारन लिए करने जी चील रो रूप धारण करियो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बी रे टाइम रे अनुसार वो यहाँ पर निर्णय लेवा के भी 39 रे लगभग सेखो जीरो वो व्याह हो नहीं, सेखो जी लड़की रो रंगकवरी रो। अच्छा अच्छा। बिको जी साथ है। अच्छा। बिको जी साथ है व्याह हो तो वो बी टाइम हो, जबकि टाइम में वो 39 रो विक्रम लग गया अपन, मतलब 1539 और अब समझ चल रहा है 2075 लगभग भी 645 और 40 साल के लगभग भी इस मंदिर को यहाँ छोटड़िया को मंदिर को हो गए हैं। हो गए लगभग अंदाज करते हैं। हाँ जी। और अठे जगह पिछलो किरणिया रो वृक्ष है। हाँ, यहाँ पर एक किरणिया का वर्ष है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हाँ जी। इरे बारे में इसी एक प्रचलित है। हाँ जी। वार्ता की कामरान हुमायूं रो छोटो भाई हो। अच्छा अच्छा। और इन्हें बीकानेर रो राजा जैत सिंह, जैत सिंह राजा। अच्छा जी। कामरान री जैत सिंह री कोई लड़ाई री वर्णन है कि मैं महिमा में इंगलाज दान जी सेवा पुराण लिखी है। हाँ जी। कि वृद्धि प्रति ग्रह संवत साल पवार वदी से चौथ शनि सरवार। हाँ जी। विक्रम 1591 में। हाँ जी। तिरणी जी जो शरीर तो 1595 में शांत हुए हो। अच्छा जी। भी चार वर्ष पहले रे वो वर्णन आवे है कि भी टाइम कामरान रो और जैत सिंह रो युद्ध हुए हो। अच्छा, कामरान और जैत सिंह का युद्ध हुआ था। हाँ जी। वो 1591 में विक्रम में हुए हो। अच्छा जी। तो भी टाइम में कामरान ने जो जैत सिंह परास्त होकर के छोटड़िए में भागते हुए निकलो या अट शरण ले या भागते को छत्तर गिर गया था उनका। हाँ, मुकुट जिसको बोलते हैं, मुकुट यहाँ छोटे में गिर गया था। हाँ जी। वी किरण नी जगह वो खेजड़ो देखो, खेजड़ो और खेजड़े वृक्ष सूख गयो। अच्छा अच्छा। ई पेड़ ने वो प्रमाण माना के वो किरणियों बोला हमें। हाँ जी। किरण बनेड़ो है सेनापति रे किरण या मुकुट जो भी रहे तो पहली। हाँ जी। भी उगड़ो है। हाँ जी। किरणिये रा पत्ता बीकानेर दरबार लेर जाता। हाँ जी, कहते हैं कि इस किरणिये के जो पत्ते हैं ना वो बीकानेर दरबार में राजा के पास जाते थे। और बट है जाता जना राजा ने सोने रा दिखता, वहाँ सोने के पत्ते दिखते थे राजा को, ये माँ का चमत्कार था। हाँ जी। वो राजीव उर कहीं अठे देतो बाने ले जाओ नाला ने। अच्छा अच्छा। अब्बा अठे गाँव में विभाजन कर लेता। हाँ जी, जो भी इन पत्तों को लेके वहां जाता तो वहां राजा को वो सोने के पत्ते दिखते हैं, राजा उनके बदले में अपना कुछ मूल्य उन जो लेके जाते हैं उनको देता, यहाँ आकर के विभाजन कर लेते, बंटवारा कर लेते। हाँ जी, आगे गुरु जी। कामरान रे
किरणों बनेड़ो है जना इन किरणियों नाम दे दिया। हाँ, इसीलिए इस पेड़ का नाम किरणिया है। मैं भी आपको दर्शन कराऊंगा उस पेड़ के। और एक किरणीय रे अब जका पत्ता हूं और कोई भक्ता ने खोपरे में यहाँ रख कर देवे तो बीरे भी समृद्धि रोग अच्छो सूचक। हाँ जी, जो इस पत्तों को लेके जाएगा, कहते खोपरे में रखी जो पत्ते लेके जाएगा सुख समृद्धि मिलेगी, गुरु जी कह रहे हैं ये। हाँ जी, तो ऐसा वो मान्यता चली आ रही है। हाँ जी, और ये किरणीय का वृक्ष एक आवड़ जी का कुआ है उधर। हाँ जी, आवड़ जी के थान के पास। हाँ जी, उसका क्या चमत्कार है गुरु जी? पहले इस गांव में वो शैम्पू बनाई गई थी, उस समय पानी का अभाव था। हाँ जी, और पानी की कमी चलते थका करणी जीरो पधारण योजना के हमारे पानी की समस्या है। हाँ जी, वो भी खोदा तो पाछो बूरे यक्ष वगैरह कोई। हाँ तो जी, करणी जी के अठ मारो आवड़ जी थान स्थापित कर लियो और हाँ, अठ कुओ खोदो। कुओ खोदो जी, तो बठे पक्की चीनी चढ़ाई नाल नीचे। देखो चमत्कार, देखो माँ का, जैसे माँ ने वरदान दिया उस जगह खोदा, नीचे पक्की जगह निकली, ये माँ का वरदान था। कुआ खोदा, ऊपर कच्चा था, नीचे देखा तो पक्का कुआ निकला, तब से पानी यहाँ आने लग गया था। हाँ जी, मीठो पानी है अच्छो। हाँ जी, भगवती रूपिन आवड जीरो था नहीं बठी है, झांकी जावे है सप्तमी रे दिन, हाँ जी, करणी जी जन्मदिन रे दिन। हाँ जी, तो करणी जी बठा आवड जी आप हमारा आराध्य है, भाव मिलने जावे, मान लो दर्शन करने जावे। तो भी झांकी रो बठे ही जानो, वैसे भी लोग जावे दर्शन करने सागे। हाँ जी, तो कहते हैं गुरु जी यहाँ पर चिल्ले भी आती बताते हैं इस दिन। हाँ, सांवली का दर्शन है जी, हाँ झांकी रवाना हुआ नहीं प्रस्थान कर। हाँ जी, जो सांवली दर्शन भी हुआ है। हाँ जी, और कोई जरूरी को नहीं कि सांवली आवे जना ही झांकी प्रस्थान करे। अच्छा, झांकी प्रस्थान कर जावे और फिर बाद में भी सांवली कई बार दर्शन। अच्छा, तो मतलब आप चील को सांवली बोलते हो? हाँ। अच्छा, चील का नाम भी यहाँ सांवली बोलते हैं जी, सांवली नाम से कहते हैं। हाँ जी, तो बीरा दर्शन हो जावे सांवली रात भी झांकी रे दौरान। हाँ, 10 बजे प्रस्थान करे, 1 बजे आवे नहीं। हाँ जी, फिर बीच में 2-4 बार दर्शन दे देवे दे देवे जी, ये यहाँ का चमत्कार है। और सभी प्रसन्न होते हैं कि माता जी पधार गए, पधार गए, दर्शन दे दिए। हाँ जी, ये संकेत हो जाता है माता जी का कि माता जी ने दर्शन दे दिए। शेखो जिन चील बन ले आ, तो हाँ जी, जी जना देखेगा चील रूप में माता जी आ गया। हाँ जी, तो चील नामक पक्षी ने और विशेष यहाँ दर्शन रो सूचक मान है। हाँ जी, बस गुरु जी आपका थोड़ा सा टाइम हो रहे हैं, गुरु जी ये बता दो कि यहाँ उस पेड़ पर कहते हैं कि उल्लू रहते हैं, उसके बारे में कुछ बताओगे गुरु जी? उल्लू तो वैसे तो उल्लू लक्ष्मी की सवारी मानी जाती है। हाँ जी, और उल्लू कोचरी ने हमारे अठे एक द्वार कोई शुभ आशीर्वाद रूप में मेरी बोली ने मानी अच्छी। अच्छा, कोई अठो भक्त प्रस्थान करी हो, अठो छोटड़िया मंदिर में दर्शन कर। अच्छा, जब वो कहो करणी माँ हमारी कोई विजय हुए आगे, कोई अच्छा जीत हुए। हाँ जी, तो जीत रो शब्द जी ही उच्चारण करो तो ऊपर कोचरी भी किरणिया पर बोली। हाँ जी, जना भावी टाइम में निश्चित कर लियो कि हमारी जीत पक्की है, भगवती खुद फरमा दियो। हाँ जी, तो कोचरी ने जीवने पक्ष में या जीवनी साइड में शुभ माने। हाँ जी, तो बा एकदम किरणीय पर बार जीवने इस समय ही बोली बोली जी। अच्छा, ने विजय सूचक भगवती री आवाज मान ली। मान ली जी। अब जगह जात्री आवे किरणीय में कोई एक दो कोचरी रहती हुए शायद, तो बन देख रहे प्रसन्न हुए कि माता जी दर्शन दे दिया, दे दिया। भी। अभी भी कोचरी है गुरु जी वहाँ? हाँ, कोचरी है। नाम मात्र से ही सारे कार्य सफल हो जाते हैं। मेरी इष्ट माता श्री माँ करणी माता के दर्शन, भव्य दर्शन, ये है इंद्र मल्का जो माँ का ही करनी माता जी का ही करुण चढ़े भगवान, यही वो खेजड़ी है जिसका नाम है किरणिया।